मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। फिरोजाबाद के टुंडला नगर में तब हड़कंप मच गया जब एक दयाल होटल में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई। गुरुवार सुबह वीरेंद्र पुत्र दयाल बाबू के दयाल होटल में लगी आग। होटल के अंदर भरे हुए रखे थे 2 LPG सिलेंडर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, समय रहते आग पर पाया गया काबू, अन्यथा हो सकता था बड़ा हादसा। वीरेंद्र के पड़ोसी चंदन पुत्र राजा राम वर्मा के ज्वेलर्स की दुकान पर लगी आग। थाना टुंडला क्षेत्र के दीपा चौराहे का स्थित दयाल होटल का ये पूरा मामला। कर रहे थे आप? तो ये आग लगी है, कैसे लगी है और कितना नुकसान हुआ आपका ये बताइए। काफी नुकसान हो गया, पूरा भोगा भोग जल गया और सामान काबू भी जल गया। ₹20,000 का नुकसान हो जाता है, बता नहीं सकते। आग कैसे लगी है पता नहीं है, ये बगल के सिलेंडर से किसी टेक्नोलॉजी के मारे आग लगी है। क्या कहना है आपका? क्या कहें, काय का होगा था आपका? मजदूरी करते थे। किस चीज़ की? सोने चांदी की। आग लगी है सावर प्रसाद रोड पर, तो किस वजह से लगी है ये बताइए। ये LPG से आग लगी है, LPG गैस लीक हुई है। होटल है, 2 LPG के बड़े सिलेंडर इसमें रखे हुए थे, तुरंत आग अगर बुझा ली नहीं तो भयंकर हादसा हो सकता था। तो फायर ब्रिगेड जरा भी लेट होती तो भयंकर हादसा हो सकता था। 2 सिलेंडर LPG के बड़े रखे थे। तो क्या क्या नुकसान हुआ है होटल वाले का? नुकसान तो कोई खास नहीं है, प्लास्टिक के टब वगैरह बर्तन वर्तन जले हैं और वह कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं, लकड़ी वगड़ी जली है। बगल में एक खोखा है वो जला, दूसरे आदमी का भी अंदर ना होता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।